नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माइनू और आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे, अगर आप SBI CSP है तो आपके लिए ये वीडियो है। आज हम बात करेंगे आधार लिंक के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई खाता खोले थे या आप SBI CSP आपने खाता खोले थे, जो पुराना कस्टमर है हमारे, नया कस्टमर के तो हम लोग EKYC से अकाउंट खोलते हैं, उसका आधार कार्ड लिंक ऑलरेडी हो जाता है। और जो पुराना है, जिनका अकाउंट पहले खोला हुआ था, उनका आधार कार्ड हम कैसे लिंक करेंगे? तो जो है हम CSP से तो लिंक कर नहीं सकते, लेकिन हमारे CSP के जरिए, हमारे जरिए वो लिंक हो सकता है, वो हमारे जरिए ही लिंक किया जाता है। जैसे कि कस्टमर आया अपना आधार कार्ड लेके कि भाई साहब मेरा आधार कार्ड लिंक कर दीजिए खाते के साथ, तो हम कैसे क्या करेंगे? उनका आधार कार्ड लेके आने के बाद सबसे पहले जो है हम उनका EKYC सर्टिफिकेट जनरेशन करेंगे। EKYC सर्टिफिकेट जनरेट करके जो है मेन ब्रांच पर हम लोगों को भेजना पड़ेगा KYC के साथ, KYC डॉक्यूमेंट के साथ। उनका जो EKYC सर्टिफिकेट है वो एक साथ में पिन अप करके मेन ब्रांच पे हम भेज देंगे, या तो खुद हम लेके जाएंगे, जाकर मेन ब्रांच पे जो ऑफिसर है उनको बोलेंगे, जो उनके EKYC जो रेफरेंस नंबर है वो अपने खाते में, उनके खाते में जमा कर दीजिए या डाल दीजिए KYC करके, तभी जो है उनका जो आधार कार्ड है वो खाते के साथ लिंक हो जाएगा और वो बंदा, वो व्यक्ति अपना AEPS विड्रॉल कर पाएगा और उनका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। अब EKYC सर्टिफिकेट अगर आपको पता नहीं है कैसे निकालना है, तो सबसे पहले जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा जो SBI आधार सर्विस होता है वहाँ पे इससे नीचे, सबसे नीचे यहाँ पे EKYC सर्टिफिकेट जनरेट करता है। जैसे हम लोग इंस्टेंट अकाउंट खोलने के लिए EKYC सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं, वही EKYC सर्टिफिकेट, एक ही सर्टिफिकेट होता है जो हमारे जरिए ये निकालना पड़ेगा। हम कस्टमर को निकाल के देंगे, उसके बाद में जो है वो मान लीजिए वो सिर्फ वो सर्टिफिकेट के साथ कस्टमर को ब्रांच भेजने पर भी हो जाएगा, या तो सबसे बेटर होगा कि आप उनका जो KYC है KYC के साथ ही भेजिए, क्योंकि उनका खाता जो है बहुत पुराना हो चुका है, कब उन्होंने लास्ट KYC किया था वो पता नहीं, तो उनका अगर कुछ मोबाइल नंबर का भी इशू होगा, तो इसीलिए क्या है हमारे ब्रांच से जो है हमको बता दिया गया है कि आप खुद लेके आओ। मैं एक CSP, मैं कस्टमर का जो भी डॉक्यूमेंट है हम लोग खुद लेके जाते हैं ब्रांच पर, और तभी कस्टमर को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है और कस्टमर के गति भी ब्रांच पे नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, ये EKYC सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करवा के उनका फिंगर लेके प्रिंट आउट करा लेंगे, उसके बाद में जो KYC फॉर्म जो ब्रांच का होता है या का फॉर्म होता है उसको भी हम फोटो लगा के चिपका के उनका फिलअप कर लेंगे। उनके साथ में उसका आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड जेरोक्स और पैन कार्ड का जेरोक्स सिग्नेचर लेके हम ब्रांच पे जमा कर देंगे। तब ये ब्रांच में जो ऑफिसर है उनका KYC करेगा, अगर मोबाइल नंबर का इशू होगा, कुछ भी इशू होगा, वो भी सॉल्व हो जाएगा साथ में, और खाते भी KYC भी हो जाएगा, अगर स्टॉप भी रहेगा तो वो भी रनिंग हो जाएगा, और साथ ही साथ आधार कार्ड भी लिंक हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम CSP वाले, हमारे जरिए ही ये काम करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, पहले जो ब्रांच पे वो लोग खुद अपना जो है कस्टमर का EKYC सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट करते थे और उसके बाद में वहाँ पे भरते थे, लेकिन अभी जो है हमारे CSP पर भी वही ऑप्शन दिया गया है, EKYC सर्टिफिकेट हम जनरेट कर सकते हैं, तो वो काम हमको ही करना पड़ेगा। तो इस तरह जो है आपको कस्टमर का एक आधार कार्ड लिंक करवाना है, हमारा पोर्टल पे तो नहीं होता है। तो आज के वीडियो में यही था, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो में कुछ भी पूछना है अगर तो कमेंट करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इस तरह SBI रिलेटेड, SBI CSP रिलेटेड वीडियोज़ पाने के लिए।